नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल योगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस चैनल में मोबाइल, कंप्यूटर, एंड्रॉइड, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के बारे में हिंदी में टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों आप मुझे दोस्तों फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी आज की एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों हम लोग जब भी मोबाइल परचेज करते हैं, कोई भी मोबाइल लेते हैं कॉस्टली, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैमरा कितना अच्छा है। और दोस्तों सही भी बात है, मोबाइल कैमरे का एक अच्छा विकल्प मार्केट में है, तो हम कैमरे रखने की जगह मोबाइल से फ़ोटो खींचना पसंद करते हैं, तो हम कैमरा ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल जितने भी मोबाइल होते हैं जिसमें 13 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो होता है, उसको हम आसानी से अच्छा HD में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है कि हम फील्ड में अगर लेके जाते हैं इसको, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें कहीं दूर चीज़ का कोई फ़ोटो क्लिक करना है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो अपना जो कैमरा होता है, जो क्लिक कैमरा होता है, उसमें हम कई गुना तक जूम कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैमरे ऐसे आते हैं पैनासोनिक सोनी में जिसमें 42 टाइम भी जूम कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल का कैमरा देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा रेडमी नोट 3 का जो कैमरा है और ये जो जूम हो रहा है, ये छोटा भीम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए जूम हो रहा है 4 times, 5, 6 times, 7 times, 8। ये मेरे हाथ में पकड़ा इसलिए इसकी पिक्चर हिल रही है, अगर ट्राईपॉड पर होगा तो नहीं लेगा और धीरे से अपनी पोजीशन ले लेगा। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये है, आप देख सकते हैं कि 8 गुना यानी 8 टाइम ही ये जूम हो सकता है, इससे ज़्यादा मोबाइल का कैमरा जूम नहीं होता। अब हमें और ज़्यादा जूम करना है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा साधन लेकर आया हूँ, एक ऐसी ऐप लेकर आया हूँ जो आपको 16 नहीं 20 नहीं 25 नहीं बल्कि 30 टाइम जूम करके फ़ोटो क्लिक करने की क्षमता देगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस ऐप के बारे में। दोस्तों ऐप के बारे में मैं बता देता हूँ, इसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आपको प्ले स्टोर में जाना पड़े, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों ऐप का जैसे मैं आपको नाम बताऊँ, आप वीडियो बंद ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसे यूज़ करने के तरीके भी बताऊँगा। दोस्तों ऐप है बिनोकुलर, BINOCULARS। बिनोकुलर जब अपन ऐप में डालेंगे सर्च में तो बहुत सारे बिनोकुलर्स आएंगे, लेकिन दोस्तों हमें ऊपर वाली जिसमें HD लिखा हुआ है इस तरह का इसका आइकॉन है, यही देखनी है। ये देखो दोस्तों, ये इसका इंटरफेस है, ऐसा रेड कलर का एक डॉट बना हुआ है और HD लिखा हुआ है। दोस्तों ये है बिनोकुलर्स। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, 1 million इसके डाउनलोड है, 4.0 की इसकी रेटिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं ये कितना जूम कर पाएगी। दोस्तों जब हमें वापस आ गया, जब ये आ जाएगी तो इस तरह की दिखाई देगी। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की दिखाई देगी, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए ये वही छोटा भीम है, अब हम इसे जूम करेंगे। दोस्तों तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैमरा जो नॉर्मल होता है वो 8 गुना तक ही जूम करता है। और देखिए दोस्तों इसकी भी खासियत ये है कि देखिए हम इसकी रोशनी कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हम देख लेते हैं रोशनी के हिसाब से, चलो इतनी रख लेते हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 4 times, 6, 7, 8, 10, 13 आप बढ़ाते जाइए दोस्तों, 19, 20 और ये देखिए दोस्तों 30 टाइम तक जूम इसने कर दिया। अब ये छोटा भीम की जो चादर थी ये मेरे बिल्कुल पास है, अगर कोई दूर की चीज़ होगी तो बिल्कुल आप इसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं ट्राईपॉड पर कैमरे को लगा के, या थोड़ी देर अगर रखेंगे तो पोजीशन ले लेता है, कैमरा हिलता नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूर की हम चीज़ जूम करके क्लिक करते हैं तो कैमरा थोड़ा हिलता है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर रखेंगे उस जगह पर तो सेट हो जाता है। तो दोस्तों आप 30 टाइम जूम इसमें कर सकते हैं जिस तरह आप बड़े बड़े कैमरों में जूम करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी अच्छी है, ये देखिए प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो आप, कहाँ गया प्ले स्टोर, ये रहा प्ले स्टोर, ये बताएगा कि इसमें कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक की जा सकती है दूर दूर से। ये देखिए दोस्तों इसमें स्क्रीन शॉट में साफ दिखा रखा है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 30 टाइम जूम में भी ऐसी फ़ोटो क्लिक हुई है, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इसकी क्लियरिटी है। अब देखिए दोस्तों ये जो नीचे वाली फ़ोटो है ये 8 टाइम में थी, और ये ऊपर वाली फ़ोटो देखो कितना प्यारी सी खींची हुई है, ये देखिए दोस्तों साफ क्लियर है, इसमें देख सकते हैं आप, ये बायनोकुलर्स का कमाल है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो किसी भी बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा
उसका जवाब देने की या उस विषय पर कोई दूसरी वीडियो बनाने की। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसी हिंदी में टिप्स और ट्रिक्स की धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा। अभी मैं मोबाइल्स की डाल रहा हूँ, आने वाले टाइम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक दबा दीजिए दोस्तों। एक थैंक यू, बाय बाय।